असंभव है, ये नहीं हो सकता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय। दंभासुर, संसार का प्रत्येक अहंकार तो नष्ट होकर ही रहता है। मैं अपने इस स्वरूप में अहंकार का सर्वनाश करता हूँ। सत्य कहा प्रभु, मेरा अहंकार नष्ट हुआ और मैं सत्य को जान पाया। ये आपकी कृपा है प्रभु। सर्वदा मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अंत मत कीजिए, मेरा अंत मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो स्वभाव ही है असुरों का, भारी पड़े तो शीश पर चढ़कर केश पकड़ते हैं, अन्यथा चरणों में ही गिर जाते हैं। देवताओं द्वारा उत्सर्जित शक्ति अब भी कैलाश की ओर बढ़ रही है, उसे किसी प्रकार से नष्ट करना होगा हमें। हे पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अंत मत कीजिए। तुम्हारा अंत करने के एक नहीं कई कारण है दंभासुर, स्मरण करो। अब से कैलाश का अधिपति मैं हूँ, केवल मैं। बिना मेरी अनुमति के कैलाश में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कैलाश असुरों का है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है दंभासुर। मानसरोवर का जल ही तुम्हारे पापों का अंत कर सकता है दंभासुर। नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, क्षमा क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे मानसरोवर में मत फेंकिए प्रभु। नहीं प्रभु, नहीं 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 नहीं, नहीं। साथ कैसी अद्भुत अनुभूति हो रही है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं पद्मासीनं समन्ता स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु मेरा तो सर्वत्र नष्ट हो गया प्रभु, मेरे पुत्र जो मेरा अहंकार थे आपने उनका भी वध कर दिया। तुमने अपने पुत्रों और अपने अहंकार से कैलाश को हानि पहुंचाने का प्रयास किया और जिसके कारण इतने निर्दोष असुरों का अंत हुआ। और अब उसी अहंकार के कारण तुम्हारा भी अंत होगा दंभासुर। अब अपनी मृत्यु के लिए तत्पर हो जाओ। पुत्र गणेश, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। उसे क्षमा कर दो पुत्र गणेश। दंभासुर के पुत्रों के साथ तुमने उसके अहंकार का नाश किया। यदि तुम उसका वध कर दोगे तो इसे अपनी भूल का पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। उसे क्षमा कर दो पुत्र। हाँ प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आपने अपने वक्रतुंड रूप के दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मेरे सारे विकार हर लिए हैं आपने, मेरे सबसे बड़े पाप अहंकार से मुझे मुक्ति दी। अब एक कृपा और कर दीजिए प्रभु, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर मुझे सन्मार्ग पर चलने का अवसर दीजिए। ओम वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडावताराश्चय देहानं ब्रह्मधारका। ओम वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडावताराश्च देहानं ब्रह्मधारका। ओम वक्रतुंडाय नमः। मेरा ये वक्रतुंड स्वरूप अहंकार को नष्ट करने के लिए है, किंतु जो अपनी भूल स्वीकार कर सुधरने की चेष्टा करेगा मैं उसे उसका अवसर भी अवश्य दूंगा। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम कभी महादेव के आसन पर स्थित नहीं हुए, अपितु सदैव उनके चरणों में आसन ग्रहण किया और मेरी स्तुति गाकर तुमने मुझे प्रसन्न किया, अन्यथा तुम्हें क्षमा करना असंभव हो जाता। जाओ दंभासुर, अपने इस अवसर का उचित प्रयोग करो, सत्कर्म करते हुए अहंकार रहित जीवन व्यतीत करो। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आज से मेरा ये वक्रतुंड स्वरूप अहंकार के दबन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। अहंकार के दबन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। अहंकार के दबन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। वास्तविकता में अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो अवसर पाते ही प्रबल होकर भिन्न भिन्न रूप लेकर हमें अपने वश में कर लेता है। किसी को धन का अहंकार है तो किसी को सौंदर्य का। विद्या का, वाहन का, शक्ति का, और किसी किसी को तो भक्ति का भी अहंकार हो जाता है। कारण जो भी हो, अहंकार तो सदैव पतन की ओर ही ले जाता है। इसलिए हमें अहंकार को कभी अपने भीतर नहीं आने देना चाहिए। और स्मरण रहे, जो स्वयं को ईश्वर के कार्यों का साधन मात्र समझकर अपने कर्म करता है, उसे अहंकार कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता। और अहंकार का ये विष मात्र असुरों को ही नहीं, देवताओं पर भी हावी हो सकता है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिताश्री, आपके आशीर्वाद और माँ महामाया के मार्गदर्शन के कारण ही मैं और भैया कैलाश को पुनः सुरक्षित करने में सफल हुए। हाँ पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, मुझे तुम दोनों पर तनिक भी संदेह नहीं था, क्योंकि जो धर्म के सहायक बनकर सत्कर्म करते हैं, अधर्म उनके मार्ग में बाधा अवश्य बन सकता है, किंतु उन्हें रोक नहीं सकता। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें आज्ञा दीजिए। महादेव, अब हम सबको भी आज्ञा दीजिए। मेरा कैलाश, मेरा भवन, इतने समय से जिस सुख की मैं प्रतीक्षा कर रही थी, वो मुझे आज प्राप्त होगा जब मैं यहाँ प्रवेश करूंगी। रुकिए माँ, रुकिए। अब गणेश क्यों रोक रहा है मुझे? माँ, इन असुरों ने जो बाधा उत्पन्न की, कदाचित उसके कारण आप ये भी भूल गईं कि आप पिताश्री से पुनर्विवाह करने के बाद कैलाश लौटी हैं। हाँ माँ, और नवविवाहिता तो विधि अनुसार ही गृह में प्रवेश कर सकती है ना? तो आप यहीं रुकिए माँ, तनिक प्रतीक्षा और कीजिए। भैया और मैं अभी आए। ये क्या हुआ स्वामी, कहाँ चले गए ये दोनों? तुम्हारे पुत्र हैं उमा, दोनों एक साथ गए हैं तो कुछ ना कुछ कोलाहल तो अवश्य होगा। माँ, पिताश्री, आप दोनों का स्वागत है। मेरे स्वागत में मेरे पुत्र और गण इतनी सुंदर व्यवस्था करेंगे, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आइए माँ, अब आगे बढ़िए। चलिए पिताश्री। धनेदी कालती तेदी, अब आप लोग महादेव और माताती आलती प्लालम तलिए। माँ, अब अपना दाहिना पांव बढ़ाकर इस कलश को एक मंद ठोकर से उलट दीजिए, फिर अपना पाँव भीतर रखिए। अच्छा पुत्र गणेश, तुम तो सभी विधि विधान में बहुत निपुण हो गए हो। इसका श्रेय तो मामी जी और बुआ जी को जाता है माँ, उन्होंने ही मुझे सब कुछ विस्तार से समझाया है। माता, माता मुझे तमाम दल दी थी माता, माता मैं और अन्य दिन आते तो आते तब प्रबंध तल रहे थे, किंतु ये अतुल माता इंतजाम तब अतुल आ लेते हैं माता, मुझे तमाम दल दी थी माता। कोई बात नहीं तोतला जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, किंतु आपने जो कुछ भी किया मैं तो उसी से बहुत प्रसन्न हूँ। आइए माँ, आइए पिताश्री। तुमसे रिक्त मेरे अपूर्ण जीवन को आज तुमने पुनः पूर्ण कर दिया उमा। कैलाश लौटकर मुझे इतना आत्मिक सुख मिल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ का कण कण मुझे स्नेह से निहार रहा है। सर्वप्रथम मैं प्रभु की पूजा और अभिषेक करूंगी। तुमने कैलाश लौटकर मेरे जीवन को पुनः आनंद से परिपूर्ण कर दिया है उमा। नाथ, आनंदित तो मैं हूँ। अब मेरे समस्त कष्ट दूर हुए, पुनः सुखों से भर गया मेरा जीवन। माँ के लौट आने से, हमारे संपूर्ण परिवार के कैलाश में एकत्रित होने से मेरा हृदय तृप्त हो गया। सत्य है, अंत भला तो सब भला। प्रभु, मेरी ये पुष्पांजलि स्वीकार कीजिए। माँ तो पूजा में लीन है, नहीं ये उचित समय नहीं उन्हें मेरे प्रस्थान के बारे में बताने का। पूर्व में जब माँ से कहा था तो वो क्रुद्ध हो गई थी, अब कैसे उनके समक्ष अपनी बात रखूं मैं। पुत्र कार्तिकेय। माँ मैं ये कहना चाह रहा था। ये देखो, इसे यहाँ किसने रखा? इसे तो यहाँ होना चाहिए था। अरे अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मैं हूँ ना। ओह, माँ का मन तो अभी भी सामान्य नहीं, कैसे कहूँ उनसे, कहीं वो क्रुद्ध न हो जाएं। लीजिए माँ, उचित है ना अब? उचित तो कुछ भी नहीं है पुत्र। इस कक्ष की अवस्था तो देखो, यहाँ तो सभी कुछ अस्त व्यस्त है। मुझे ज्ञात है पुत्र, मेरी अनुपस्थिति में नंदी और गण सब कुछ व्यवस्थित रखने का प्रयास कर रहे थे, किंतु कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब व्यवस्थित कर दूंगी। हाँ माँ, और इसमें मैं आपकी सहायता करूँगा। और भैया भी है ना, भैया आप भी माँ का हाथ बटाएंगे ना? हाँ गणेश, किंतु माँ वो शुभ कार्य में विलम्ब क्यों? मुझे अभी प्रारंभ करना चाहिए। अरे हाँ पुत्र, तुम कुछ कह रहे थे ना, कहो पुत्र। माँ, मुझे अब प्रस्थान करना होगा। शीघ्र पुत्र। हाँ माँ, आपके और पिताजी के पुनर्विवाह, आपके कैलाश लौटने में समय तो जैसे गतिमान पक्षी की तरह उड़ गया। अब मुझे अपने स्थान दक्षिण जाना ही होगा माँ। पुत्र, मुझे क्या था? तुम्हारे महत्वपूर्ण कर्तव्य और दायित्व है पुत्र, किंतु पुत्र अभी तो मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो। बस कुछ और दिवस रुक जाओ पुत्र, कुछ और दिवस। हाँ भैया, मुझे भी आपके साथ क्रीड़ा करने का समय ही कहाँ मिला। कुछ दिवस और रुक जाइए ना। माँ, आपको तो ज्ञात है ना, पिताश्री नियमों का उल्लंघन कदापि स्वीकार नहीं करेंगे और मुझे भी दक्षिण जाकर अपने कर्तव्य का पालन करना है माँ। इसलिए मुझे आप जाने की अनुमति दीजिए माँ। प्रणाम माँ। तुम्हारा जाना हमें दुखी अवश्य करेगा पुत्र, किंतु तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है पुत्र। यदि ये अनिवार्य है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी पुत्र। जाओ पुत्र, सफलता सदा तुम्हारे साथ रहे पुत्र। धन्यवाद माँ। भैया, भैया कुछ दिवस रुकिए ना, बहुत आनंद आएगा। अरे गणेश, विदा लेने का समय आ गया है अनुज। भैया रुक जाइए ना भैया, कृपया रुक जाइए भैया। माँ हूँ मैं, इसीलिए तुम्हारे प्रस्थान का सुनकर हृदय व्याकुल हो उठा, किंतु तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है मुझे पुत्र। अपना, माँ और पिताश्री का ध्यान रखना। भैया। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय, मां को सुख पहुंचाना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। वो चाहती हैं तो कुछ और दिवस यहां रुक जाओ। अवश्य पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब मेरा पूर्ण परिवार प्रसन्न है, कोई उलझन शेष नहीं, तो मैं निश्चित होकर ध्यान कर सकता हूं। ये ध्वनि कहां से आ रही है? तो गणेश से आ रही है यह ध्वनि। अरे ऐसे विस्मय से क्यों देख रहे हैं आप दोनों मुझे? वो माँ, इतने दिनों से मेरा कुछ पोषण नहीं हुआ ना, उधर में कुछ नहीं गया, इसीलिए मेरा ये उधर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया दे रहा है। चिंता मत करो पुत्र, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रिय व्यंजन अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। माँ के हाथ से व्यंजन, उसकी तो कल्पना से ही मेरे मुख में पानी आ गया। उचित है माँ, उचित है, सर्वथा उचित है। प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम ऋषिवर अंगीरस। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। माँ का हृदय अपनी संतानों में भेदभाव नहीं करता जगतजननी। आप अपने पुत्रों को स्वयं अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाएं, जबकि आपकी अन्य संतानें भूख प्यास से त्रस्त होकर अपने प्राण गंवाने पर विवश हो रही है। ये कहाँ का न्याय है माते? ऋषि अंगीरस, ये आप क्या कह रहे हैं? उचित ही तो कह रहा हूँ माता। जब भगवान ही भक्त की गुहार ना सुने तो विवश होकर भक्त को भगवान के निकट आना ही पड़ता है। ऋषि अंगीरस, आप जो कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही। आप बहुत लंबी यात्रा से आए, तनिक विश्राम कर जलपान ग्रहण करी, फिर आपको जो भी कहना है विस्तार से कहिएगा। माता, मैं अपने कठोर वचनों के लिए क्षमा चाहता हूं। विश्राम का अवकाश नहीं है मेरे पास। जलपान नहीं करूंगा मैं। भोजन का निवाला कैसे अपने मुख में रख सकता हूं माता, जबकि दक्षिण में मेरे बंधु बांधव घोर कष्ट में है। दक्षिण में ऋषिवर? क्या हुआ है वहां? रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, कोई हमारी रक्षा कीजिए। हम मृत्यु को प्राप्त। इतनी व्यथा, ऐसा रुदन, क्या कारण है इसका? हे महादेव, पानी 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 पानी। अपनी संतानों का दुख देखा नहीं जाता, खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। प्रभु कुछ कीजिए प्रभु, बच्चे भूख से विलख रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। पानी प्रभु पानी। महादेव, हम दुखियारों पर दया करो महादेव। अब तो प्रथम पुत्र गणेश ही सबके विघ्न हरते हैं। हमारी पुकार सुन, हमारे जीवन का विघ्न हरेंगे। प्रभु हमारे प्रभु। वहां तो भीषण अकाल पड़ा है। अकाल? असंख्य निर्दोष जीवन इस भयंकर अकाल की भेंट चढ़ चुके हैं गणेश जी, और जो शेष रह गए हैं उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। महादेव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया था। अब तो वही एक आस है कि वो मेरी गुहार सुन ले और पुनः माँ गंगा को अकाल से पीड़ित धरती पर प्रभावित होने की अनुमति दे। कदाचित ये उचित समाधान नहीं है ऋषिवर। माँ गंगा के प्रचंड वेग से तो और विनाश हो सकता है। गणेश, वर्षा करवाने का दायित्व तो देवराज इंद्र का है ना, तो तुम उन्हें बुलाकर क्यों नहीं पूछ लेते कि वो वहाँ वर्षा क्यों नहीं करवा रहे हैं? हाँ पुत्र गणेश, यही उचित रहेगा। ऋषिवर, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस समस्या का समाधान शीघ्र ढूंढूंगा। और जो जीवन अकाल से त्रस्त हैं, वो जब तक भोजन नहीं पाते तब तक मैं भी भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है। संकट है तो समाधान भी है, बस आवश्यकता है धैर्य, साहस और सूझबूझ की। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।